इस मूवी का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सब बर्ड प्लेनेट पर होते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमला हुआ होता है, सब कुछ तबाह हो चुका होता है। तभी एक मिसाइल डोरेमोन के उस रॉकेट से टकराता है और वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से आसपास धुंध ही धुंध होता है। डोरेमोन कहता है, सब ठीक है, किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, हमें चोट नहीं लगी। शिज़ुका कहती है, अगर हम उस रॉकेट से दूर ना खड़े होते तो अभी हम हॉस्पिटल में होते। सुनियो कहता है, ऐसे हमें डराओ मत प्लीज़। नोबिता कहता है, ये सब हो क्या रहा है और हम पर ये मिसाइल किसने फायर की? डोरेमोन कहता है, लगता है यहाँ पर जंग हो रही है। ये सुन के सुमिरे डर जाती है, उसके आँख से आंसू गिरने लगते हैं। आयान कहता है, क्या हुआ सुमिरे, तुम रो क्यों रही हो? सुमिरे कहती है, ये सब देख के क्या मैं हंसूं? आयान कहता है, मेरा वो मतलब नहीं है। सुमिरे कहती है, कहीं मेरा सपना सच ना हो, मैं सो मुसीबत में तो नहीं? नोबिता कहता है, ऐसा मत सोचिए सुमिरे, आपका दोस्त बिल्कुल ठीक होगा और आप उससे जल्द ही मिलेंगी। तब सुमिरे को दिलासा देते हैं। सुमिरे इनकी बात सुन के अच्छा महसूस करती है। जियान कहता है, लेकिन ये हमला किया किसने? तभी सुमिरे सामने देखती है और चौंक जाती है। डोरेमोन कहता है, क्या वो सुमिरे, आप चौंक क्यों गई? सुमिरे कहती है, अपने पीछे देखो, सब घूमते हैं और सबकी नज़र सामने पड़ती है और देखते हैं कि ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले इंसान हमारी ही तरफ आ रहे हैं। सब डर जाते हैं। सुनियो कहता है, ये सब हमारी ही तरफ क्यों आ रहे हैं? शिज़ुका कहती है, ये सब बहुत डरावना है। डोरेमोन कुछ करो, वो हमारे पास आ रहे हैं। डोरेमोन कहता है, मैं क्या करूं? तभी सब देखते हैं एक लड़की जिसके सर पर परमानेंट सेट और जोगा होता है, उसके पास एक हथियार होता है। वो लड़की उन सब ज़ॉम्बी को मार देती है। सुमिरे, पायान और बूबी ये देख बहुत हैरान होते हैं क्योंकि ये नॉर्मल परमैन से बहुत पावरफुल है। सबकी नज़र अब उस लड़की पर होता है। नोबिता कहता है, कौन हो तुम? तभी वो लड़की गुस्से से कहती है, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ वरना सब मारे जाओगे। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। सुनियो कहता है, इसका क्या मतलब है? हम सब यहाँ मारे जाएंगे? वो कहना क्या चाहती थी? शिज़ुका कहती है,
जब से हम यहाँ आए हैं हमारे ऊपर 2 बार अटैक हुआ। जियान कहता है, तुम सब डरो नहीं, मैं हूँ। अब कोई आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नोबिता कहता है, ये सब बात करने का टाइम नहीं है। हम यहाँ जिस कारण आए हैं वो करते हैं। सुमेरे कहती है, लेकिन हम अब मिसुओ को ढूंढेंगे कैसे? तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और कहता है, सुमेरे क्या आपके पास आपके दोस्त की कोई चीज़ है? सुमेरे कहती है, मेरे पास उसकी फ़ोटो है। डोरेमोन कहता है, बस हमारा काम हो जाएगा। अब ये गैजेट इस फोटो का एनालिसिस करके खुद ही ढूंढ लेगा और गैजेट वैसा ही काम करता है। तब उस गैजेट को फॉलो करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें बर्ड प्लैनेट के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। हेडक्वार्टर के बॉस कहते हैं, बर्डमैन को बुलाओ। बर्डमैन इंचार्ज होते हैं। बर्डमैन आते हैं। बर्डमैन, पृथ्वी से एक रॉकेट हमारे प्लैनेट पर आया है, जाके पता करो वो यहाँ क्यों आए हैं, कहीं हमारे दुश्मन तो नहीं। बर्डमैन सोचने लगते हैं कि पृथ्वी से कौन आया होगा, कहीं वो तीनों तो नहीं। लेकिन उनकी मदद करेगा कौन? नहीं नहीं, वो नहीं होंगे। क्या सोच रहे हो बर्डमैन? बर्डमैन कहते हैं, कुछ नहीं, मैं अभी जाके देखता हूँ। उम्मीद है जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। फिर बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है। तब उस गैजेट का पीछा कर रहे होते हैं, तभी वह मशीन रुकती है। तब देखते हैं कि सामने हॉस्पिटल है। नोबिता कहता है, ये हमें हॉस्पिटल क्यों लाया है? सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सुमेरे को मिसो के लिए फिक्र हो रही होती है। सब उस मशीन का पीछा करते हुए हॉस्पिटल में चले जाते हैं और हॉस्पिटल के एक रूम पर खड़े होते हैं। तभी वो गैजेट बंद हो जाता है। डोरेमोन कहता है, इस रूम के अंदर है तुम्हारा दोस्त। नोबिता कहता है, सुमेरे अंदर चलें। सुमेरे बहुत नर्वस होती है और डरते हुए दरवाज़ा खोलती है। तभी वह देखती है सामने एक लड़का बैठा हुआ होता है और उसके सर पर पट्टी बंधी होती है। सुमेरे के आँख में आंसू आ जाते हैं। सुमेरे दौड़ते हुए जाती है और गले से लगा लेती है। सुमेरे को रोते देख सबके आँख में आंसू आ जाते हैं। सुमेरे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन ये चोट तुम्हें कैसे लगी? वो लड़का कहता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सुमेरे कहती है, तुम्हें क्यों बताऊं, इसका क्या मतलब है? हम तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त? कैसा दोस्त? मैं तुम सबको नहीं जानता। पायान कहता है, देखो मिसो, अब हमसे मजाक मत करो। हमें यहाँ तक आने में बहुत परेशानी हुई है। मिसो? कौन मिसो?
जब शौक होते हैं तो मेरे कहती है, तुम्हारा नाम निस्वो है और तुम पृथ्वी से हो। मेरा नाम निस्वो नहीं है, मेरा नाम जैक है और मैं पृथ्वी से नहीं हूँ। तभी एक लड़की दवा और पानी लेकर अंदर आती है और देखती है उसके दोस्त जैक को घेरे हुए होते हैं। कहती है, हे तुम सब मेरे दोस्त से दूर रहो वरना रुक जाओ इरी, ये मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं। सब उस लड़की को देखते ही रहते हैं कि क्योंकि इरी ने ही इन सब की जान बचाई थी। इरी कहती है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? नोबिता कहता है, हम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं। जैक कहता है, मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं मिस्वो नहीं हूँ और तुम्हें यहाँ मिस्वो नाम का कोई लड़का नहीं मिलेगा। सुमीरे सैड हो जाती है। पायान सुमीरे के पास आता है और कहता है, सुमीरे हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुमीरे यहाँ से जाना नहीं चाहती थी लेकिन सबके कहने पर सुमीरे वहाँ से निकल जाती है। सुमीरे बहुत दुखी होती है, उसके आँख में आंसू होते हैं। नोबिता कहता है, वो लड़का मिस्वो ही लग रहा था। सही कहा, शिज़ुका कहती है, लेकिन उसने कहा कि वो मिस्वो नहीं है। अगर मिस्वो है तो उसने ऐसा क्यों कहा? नोबिता कहता है, ये डोरेमोन का गैजेट ही खराब है। डोरेमोन कहता है, मेरे गैजेट को खराब मत कहो। सुमीरे चलते हुए रुक जाती है। आयान कहता है, क्या हुआ? सुमीरे कहती है, तुमने उसकी बात को गौर किया? आयान कहता है, कौन सी बात? सुमीरे कहती है, उसने कहा कि यहाँ मिस्वो नाम का कोई नहीं है। उसे कैसे पता? डोरेमोन कहता है, आपने सही कहा सुमीरे। सुमीरे कहती है, कुछ तो हमसे छुपा रहा है। फिर उस कमरे में चलो। सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आयान वहीं खड़ा किसी को देख रहा होता है। सुमीरे वो बर्डमैन है ना? सुमीरे कहती है, वो बर्डमैन ही है। सब छुप जाओ, देखते हैं बर्डमैन कहाँ जाते हैं। सब बर्डमैन का पीछा करते हैं। बर्डमैन उसी कमरे में जाते हैं जिसमें जैक होता है। सुमीरे पायान थोड़ा शौक होते हैं और सब दरवाजे पर खड़े होकर बर्डमैन की बात को सुन रहे होते हैं। बर्डमैन कहते हैं, तुम्हारी हालत कैसी है मिस्वो? सब चौंक जाते हैं, ये जैक नहीं मिस्वो ही है। नोबिता कहता है, लेकिन उसने हमसे झूठ क्यों बोला? सुमीरे सबको शांत कराती है। बर्डमैन कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि पृथ्वी से तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं? इरी कहती है, वो सब यहाँ आए थे लेकिन मिस्वो ने झूठ बोल कर यहाँ से जाने के लिए कह दिया और सब चले गए। बर्डमैन कहते हैं, इतने सालों के बाद तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिला और तुमने उनसे झूठ बोल दिया।
तुम सो नहीं, लेकिन तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? मैं सो कहता है, मैं और क्या करता, हम पर हमले हो रहे हैं और मैं घायल भी हो गया। हमें ये भी नहीं पता कि हम पर हमले करवा कौन रहा है। मैं नहीं चाहता कि सुमेरे और मेरे बाकी दोस्त मुसीबत में पड़े। आयान कहता है, तो आज भी वैसा ही है। सुमेरे कहती है, सही कहा। मेरे दरवाजे खोलती है, मिस्टो और बर्डमैन देखते हैं, तो मेरे और बाकी सब यहीं होते हैं।